हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। साथियों, जैसा कि हम अभी तक अध्ययन करते आ रहे हैं हमारे BSTC फर्स्ट ईयर के इंग्लिश पाठ्यक्रम का, तो BSTC फर्स्ट ईयर के अंदर हमने अब से पहले स्टडी कर लिया है। वो विषय तो पूर्ण हो चुका है, यानी हमारा पार्ट एक पूरा हो चुका है। पार्ट टू हमारा चल रहा है। पार्ट टू में भी हम यूनिट सेकेंड का यहाँ क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो डियर गाइस, आज हमारा जो विषय है वो विषय है क्या, टीचिंग। क्या है विषय हमारा? टीचिंग ग्रामर, टीचिंग ग्रामर टू चिल्ड्रन, टीचिंग ग्रामर टू चिल्ड्रन। यानी आज का जो हमारा जो विषय है क्या, टीचिंग ग्रामर टू चिल्ड्रन, यानी विद्या बच्चों को क्या पढ़ाना, ग्रामर पढ़ाना। तो कह रहे हैं कि बच्चों को ग्रामर कैसे पढ़ाई जा सकती है, उसको पढ़ाने के क्या सिद्धांत है, कौन सी वो बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए टीचर के नाते। यानी हम एक टीचर हैं, हम कक्षा में जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो हमें कौन कौन सी बातें हैं जो विद्यार्थियों को ग्रामर पढ़ाने के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैं आपके लिए पहले कह देता हूँ, ये विषय आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, तो आप इसको अपने नोटबुक में कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लें। तो साथियों, बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो, कह रहे हैं कि टीचिंग ग्रामर टू चिल्ड्रन। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि हम भारतीय जो लोग हैं, भारत में हम जनरली बात करें, अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हम उसकी ग्रामर वगैरह इन पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। यानी वो हमें मदर टंग के रूप में, मानो कि सब कुछ पहले से उसमें हमें ज्ञान होता है, ऐसा हमारा मानना है। पर यहां बात कर रहे हैं कि फिर हमें ये जो ग्रामर क्या, उसका कब पढ़ी, क्यों पढ़ी। तो कह रहे, देखो बात थी 19th सेंचुरी की। कब की बात है? 19th सेंचुरी की। तो कह रहे, 19th सेंचुरी में क्या हो रखा था भारत के अंदर, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में हमारे दो लैंग्वेज मुख्य थी। यानी फॉरेन लैंग्वेज में हमारे पास दो लैंग्वेज मुख्य थी। वो फॉरेन लैंग्वेज कौन कौन सी थी? तो देखो, कह रहे कि एक तो थी वो लैटिन और एक थी ग्रीक। यानी फॉरेन लैंग्वेज में हमारे पास दो लैंग्वेज थी, क्या? लैटिन और ग्रीक। अब बात थी कि लैटिन और ग्रीक जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज थी, तो इन फॉरेन लैंग्वेज को हमें हमारे विद्यार्थियों को, या कहें कि हमारे जो भारतीय जो लोग हैं उनको क्या करना था, अध्यापकों के द्वारा सिखाया जाना था, या फिर कहें कि भारतीय लोगों को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में भारत में प्रचलित जो लेटिन और ग्रीक जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को यहाँ सिखाना था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भारतीय जो टीचर्स थे, या कहें कि जो लर्नर्स थे, उन्होंने किसका सहारा लिया? तो कह रहे कि उन्होंने सहारा जो लिया वो किसका सहारा लिया, ग्रामर का सहारा लिया। यानी उनका मानना था कि अगर यदि एक भाषा है तो उस भाषा का जो प्राण है, यानी बॉडी है, जो शरीर है, वो क्या है, बॉडी क्या, उसकी ग्रामर है। समझ रहे हो? यानी अगर वो मानना था कि जब लेटिन और ग्रीक भाषा सीखने की बात थी, तो सभी टीचर्स का, जब सीखने वाले जब लर्नर्स थे, उनका सबका मानना था कि किसी भाषा को सीखने के लिए हमें उसका क्या जरूरी है, ग्रामर आना जरूरी है। और ग्रामर जो है वो क्या थी? हाँ, तो कह रहे कि जो अब बात करें तो ग्रामर सीखेंगे तो ग्रामर क्यों सीख रहे हैं, तो किसी एक लैंग्वेज के लिए। तो कह रहे कि किसी भी लैंग्वेज के लिए, यानी विशेष तौर से अगर चर्चा करते के लिए, तो कह रहे कि फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहे जब बात इंग्लिश लैंग्वेज की आई स्पेशली, तो कह रहे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हुए कहा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज इज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें यहां कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज इज द बॉडी ऑफ रूल्स, यानी बॉडी ऑफ रूल्स। जो जनरली हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो तो इंग्लिश के संदर्भ में कर रहे हैं। तो कह रहे क्या, इंग्लिश लैंग्वेज इज द बॉडी ऑफ रूल्स, यानी इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेजी जो भाषा है, वो क्या है, नियमों का एक पूरा प्रारूप है। यानी बात यह है कि जैसे मान लो कि आपकी भी इच्छा भी बनी हुई थी, या बन भी रही है अभी तक भी, कि मोस्ट ऑफ टीचर्स का मानना है कि इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो अधिक से अधिक नियम याद करने पड़ेंगे जो यहाँ ग्रामर में चलते हैं।
तो देखो ये जो ग्रामर को पढ़ाने की बात थी, शुरुआत में तो हमारी कहां चालू हुई, लैटिन और ग्रीक भाषा चालू हुई, क्योंकि पहले हमारी यही भाषा थी। तो ऐसी स्थिति में टीचर्स ने क्या किया कि ग्रामर पढ़ाया और ग्रामर के द्वारा लैटिन और ग्रीक भाषाओं का नॉलेज दिया, जो कि क्या थी, फॉरेन लैंग्वेज थी। किंतु कह रहे कि जब 19 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज भारत में आई, तो कह रहे कि उन लोगों ने या टीचर्स ने क्या किया, इंग्लिश को भी बिल्कुल उसी मेथड से, उसी मेथड का मतलब है कि लैटिन और ग्रीक भाषा को जो मेथड था पढ़ाने का, यानी ग्रामर मेथड, तो ग्रामर मेथड से ही वो क्या करने लगे, इंग्लिश को पढ़ाने लगे। वास्तव में इस मेथड को कहा क्या जाता है, देखो उसको नाम याद रखना, तो कह रहे कि इसको हम एक तो कह सकते हैं क्या, क्लासिकल, क्लासिकल मेथड, या क्लासिकल मेथड के साथ में क्या, इस बात को समझ लीजिए, क्लासिकल का मतलब प्राचीनतम, यानी जो प्राचीन जो मेथड है, प्राचीन जो विधि है, विधि का मतलब तरीका, यानी आप जो ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर को पढ़ाने का वास्तविक तरीका क्या होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि क्लासिकल मेथड के रूप में, जिसे फिर आगे चलकर किस रूप जाना गया, ग्रामर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रूप में से जाना गया। थोड़ी बात पर मैं आपको पुनः रिपीट करता हूं, बात पर ध्यान देना, यानी हम बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर 19 सेंचुरी के अंदर जब फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, तो मूल रूप से यहां भारत में चलने वाली फॉरेन लैंग्वेज उस समय तक क्या थी, लैटिन और ग्रीक थी। आगे चलकर के जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लोगों की रोजगार की आवश्यकता पड़ी, तो लोगों की आवश्यकता पड़ी रोजगार देने के लिए, वहां वर्कर्स की आवश्यकता पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उन अंग्रेज लोगों ने क्या किया, भारतीय लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह, इंग्लिश सिखाने की बात आई, तो कह रहे कि जब उस समय के टीचर्स थे, जो वहां का तरीका था उस समय का, प्रारंभिक स्तर पर जो अपनाया गया, कह रहे कि वो तरीका क्या था कि अगर किसी भाषा को सीखना है तो उस भाषा क्या सीखना पड़ेगा, कह रहे कि ग्रामर सीखनी पड़ेगी। इसलिए एक बात कह दी गई क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज इज द बॉडी ऑफ रूल्स, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्या है, नियमों का एक अस्तित्व है, शरीर है, एक ढांचा है। अब इसी को यानी ग्रामर के द्वारा सीधे ग्रामर में क्या करते हुए, देखो ग्रामर में क्या करते हुए, ग्रामर में पहले क्या रूल्स और फिर क्या एग्जांपल्स, यानी पहले तो रूल्स फिर क्या एग्जांपल्स, करें कि पहले रूल्स फिर एग्जांपल्स के मेथड से, तरीके से क्या किया गया कि उस समय की भारतीय लोगों को या कहें कि इंग्लिश लर्नर्स को, सीखने वालों को क्या किया, पहले रूल्स दिए गए, रूल्स को एक्सप्लेन किया गया और रूल्स को रटने पर जोर दिया गया, अधिक से अधिक रटिए, याद कीजिए, और रूल्स के बाद में उनको क्या दिए गए, एग्जांपल्स दिए गए। देखो किस, अभी ये रूल्स के साथ पहले रूल फिर एग्जांपल देना, इसे एक रूप में तो कहें तो, अगर टीचिंग मेथड की परिभाषा में कहें तो डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड यानी डिडक्टिवली, डिडक्टिवली, डिडक्टिवली का मतलब होता है कि किसी भी बात, जब हमें कोई ग्रामर पढ़ानी है, ग्रामर पढ़ाने के लिए कहें या लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कहें, तो कह रहे कि जब किसी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए पहले नियम दिए जा रहे हो और उसके बाद में एग्जाम्पल दिए जा रहे हो, तो पहले नियम फिर एग्जाम्पल देने को क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, डिडक्टिव मेथड जो है किसके अंतर्गत आता है, तो कह रहे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो कैसा मेथड है, तो कह रहे क्लासिकल मेथड है, यानी प्राचीन मेथड है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि अब जैसे आपने शो में देखा है कि बहुत से जो टीचर्स हैं आज भी क्या करते हैं, पहले नियम देंगे उसके बाद क्या देंगे, एग्जांपल देंगे। तो ये नियम से एग्जांपल पढ़ाने का जो तरीका है, वास्तव में क्या है, एक ओल्ड मेथड है, जिसमें विद्यार्थी को क्या कर दिया जाता है, मात्र रटने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी विद्यार्थी रट्टू तोता बन जाता है और उसके माइंड में ये बात आ जाती है कि मैं इतने सारे नियम याद नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा। तो कह रहे कि जब ऐसी परिस्थितियां आई कि जो सीखने वाले थे उनको आपत्ति होने लगी, यानी उनको समस्या सामने आने लगी, और साथ ही साथ एक और बात सामने आई कि अब तक स्थितियां क्या थी, देखो अभी तक क्या था कि ओरल, मैं एक लिंक डाल लेता हूं, हाँ, तो साथियों बात कर रहे थे कि देखो अब तक क्या स्थितियां थी कि हमें किसी भी प्रकार की ओरल इंटरेक्शन, ओरल इंटरेक्शन
हमें ओरल इंटरेक्शन की क्या नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। यानी जब तक भारतीय लोगों को इंग्लिश को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, तब तक लोग क्या करना था कि लिखे हुए तो पढ़ना था या फिर लिख करके अभिव्यक्त करना था। तो करें कि या तो लिखे हुए को पढ़ना या लिख करके किसी को बताना। उस स्थिति तक तो क्या चल रहा था, ये क्लासिकल मेथड जो है, यानी सीखने सिखाने का जो क्लासिकल मेथड, यानी पहले नियम फिर क्या एग्जाम्पल, जो जिस मेथड को आगे जाकर क्या नाम दिया गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नाम से जिसे जाना गया, जिसकी विधि हो गई क्या डिडक्टिवली। डिडक्टिवली का मतलब होता है जहां पहले ग्रामर पढ़ाने के लिए नियम दिए जाए, फिर एग्जाम्पल दिए जाए, ऐसे तरीके से क्या किया जा रहा था, अब तक भाषा का अध्ययन अध्यापन करवाया जा रहा था और वो आसानी से चल रहा था। किंतु अब इस तथ्य क्या हुई कि भारत के अंदर, भारत में 19th सेंचुरी बाद में भी आपको कर रहा था, अब यहां बात क्या हुई कि 19th सेंचुरी के, यानी 19th सेंचुरी के एंड में, 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, बात क्या समझना कि 19th सेंचुरी के एंड में इंग्लिश को, इंग्लिश में किसकी आवश्यकता पड़ी, ओरल इंटरेक्शन की आवश्यकता पड़ी। ओरल इंटरेक्शन का मतलब समझे होगे मौखिक प्रतिक्रिया, यानी आपसी में बोल करके, यानी शब्दों के द्वारा कार्य करना प्रारंभ हो गया। यानी हम कहें कि हमारे जो विचार है, देखो भाषा क्या है, हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का एक वे है। तो यानी अब तक तो चल रहा था लिख करके या लिखे हुए को पढ़ करके भावों को समझना, या जो मैसेज जो है किसी को देना था तो लिख करके भेज दिया, किसी को हमारे को भेजना था उसे लिख करके भेज दिया, ऐसे चल रहा था। पर अब क्या हुआ कि ओरल इंटरेक्शन की आवश्यकता पड़ी। ओरल इंटरेक्शन की आवश्यकता पड़ी तो स्थिति ये हुई कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अंदर, यानी जो क्लासिकल मेथड हमने देखा, उसमें तो सिर्फ क्या किया जा रहा था, भाषा को सिखाने के रूप में नियम दिए जा रहे थे और नियम के बाद में एग्जाम्पल दिए जा रहे थे, और सीखने वाले को सिर्फ नियम पढ़ करके, नियमों को याद करके, एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करके उस भाषा को सीखना था। किंतु कह रहे थे अब इससे काम नहीं चलने वाला था। इसलिए क्या हुआ, 19 सेंचुरी के अंत में एक विद्वान आए जिनका नाम था क्या, चार्ल्स बर्टिज। क्या नाम था, चार्ल्स बर्टिज। कह रहे कि चार्ल्स बर्टिज नामक विद्वान ने एक अन्य मेथड दिया, यानी चार्ल्स बर्टिज नामक एक विद्वान था, शिक्षाविद था, इसने क्या किया एक मेथड दिया, उस मेथड को नाम दिया गया क्या, डायरेक्ट मेथड। क्या नाम दिया गया, डायरेक्ट मेथड। अभी डायरेक्ट मेथड, इससे पहले हमने पढ़ा क्या, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो समझना एक बार के लिए मैं कह सकता हूं कि एक नियम में तो डायरेक्ट मेथड ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के क्या है, अपोजिट है। देखो जिस प्रकार से वहां क्या था, जैसे मैं यहां लिख देता हूं आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, जिस प्रकार से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या हो रहा था, वहां दिए जा रहे थे आपको नियम, और नियम से आपको क्या दिया जाए बाद में एग्जाम्पल। इस विधि को हमने कहा क्या, डिडक्टिवली, यानी डिडक्टिव मेथड का। और यहां पर क्या है, अब डायरेक्ट मेथड जो किसी दिया, चार्ल्स बर्टिज ने दिया, कब दिया, 19 सेंचुरी के अंत में। तो इन्होंने क्या किया कि इस नियम से एग्जाम्पल के बजाय क्या कहा उन्होंने कि हमें सबसे पहले विद्यार्थी क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करने चाहिए, और एग्जाम्पल से हमें उन्हें क्या क्या देने चाहिए, रूल्स देने चाहिए। यानी पहले क्या चलता रहा था, एग्जाम्पल दो और नियम दो फिर एग्जाम्पल। पर अब क्या हुआ, चार्ल्स बर्टिज ने कहा कि हमें एग्जाम्पल देकर के नियम देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी को पहले समझ आ जाए कि हमें समझना क्या है या पढ़ना क्या है। अब इसको डिडक्टिव कहा, इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव, इंडक्टिव, इंडक्टिव या इंडक्टिवली कहते हैं, इंडक्टिव या इंडक्टिवली, जिस प्रकार ये डिडक्टिवली है जैसे इंडक्टिवली है। तो अब आपको याद करना है इंडक्टिव और डिडक्टिव शब्द को। इंडक्टिव का मतलब होता है एग्जाम्पल से नियम, और डिडक्टिव का मतलब होता है नियम से एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल से नियम चलते हैं किसमें, डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड किसे दिया, चार्ल्स बर्टिज ने दिया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ओरल इंटरेक्शन को प्रभावी बनाने के लिए, यानी मौखिक रूप से वार्तालाप करने को प्रभावी बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड की आवश्यकता पड़ी।
अब यहां से अब आप समझेंगे देखो, तो कह रहे कि और बात क्या है, डायरेक्ट मेथड की और विशेषताएं क्या है, तो कह रहे कैरेक्टरिस्टिक, मैं इसको बता देता हूं, आप यहां पर नोट कर लेना। तो देखो बात हो रही थी कि जो डायरेक्ट मेथड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाँ जो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है विशेषता, यानी इसे डायरेक्ट मेथड की विशेषता क्या है, एक विशेषता क्या रही जो मूल बात थी कि ये जो डायरेक्ट मेथड है वो किसे लगता है, पहले एग्जांपल और एग्जांपल से नियम, यानी पहले यहां क्या होता है एग्जांपल्स होते हैं उसके बाद में नियम होता है। दूसरी बात आगे कह रहे क्या कि इसमें ओरल इंटरेक्शन इसमें जो प्रणाली का मेथड है वो क्या कहता है, ओरल इंटरेक्शन के रूप में, यानी मौखिक रूप से, जैसे आपने किसी टीचर को संस्कृत पढ़ाते हुए देखा होगा तो वो पूरी तरह से संस्कृत का ही प्रयोग करता है, एक्सप्लेन करेगा तो, लिखेगा तो, बोलेगा तो, पढ़ेगा तो, उसी प्रकार से इंग्लिश में देखे इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है, उन इंग्लिश मीडियम स्कूल का मूल जो मेथड होता है पढ़ाने का वो यही होता है ओरल इंटरेक्शन। दूसरी बात करेंगे स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ वोकैबुलरी, स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ वोकैबुलरी का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस स्वस्फूर्त और तुरंत, यानी अपने आप जैसे कोई चीज देखी और उसके लिए तुरंत ही क्या निकल गया हमारे से उसे समझे निकल गया, तो उसे कहते हैं क्या स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ लैंग्वेज। स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ वोकैबुलरी कहते हैं या लैंग्वेज कहते हैं, बात वही है। देखो तो कह रहे हैं कि जब आप क्या हो कि आपकी जो भाषा है उस भाषा के लिए आपको कोई खास प्रयास नहीं करना पड़े और आप सीधे ही बिना सोचे ही आप सेम जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में तुरंत आप क्या करते हैं बोलते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ लैंग्वेज। अब देखो कई बार टीचर्स क्या करते हैं आज भी क्या कर रहे हैं, नियम से एग्जाम्पल की तरह हमें पढ़ा रहे हैं और इससे क्या होता है कि हम कोई भी चीज बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, विचार तो आए ना आए पर विचार आने से पहले नियम की बात हमारे माइंड में आ जाती है कि मुझे ये बात कहने का नियम ही पता है या नहीं है। तो कह रहे हैं कि इस डायरेक्ट मेथड में इस नियम की वाली बात को छोड़ दिया गया, इसमें पहले क्या किया क्या किया गया एग्जाम्पल दिए गए, एग्जाम्पल से नियम की ओर चला गया, सबसे ज्यादा मौखिक कार्य पर ध्यान दिया गया और एक भाषा का बिना किसी नियमों के बंधे हुए स्वतः यानी बिना डरे हुए उस भाषा का क्या करना तुरंत प्रभाव से प्रयोग करने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट विशेषता क्या है, तो कह रहे देखो कंक्रीट वोकैबुलरी ये कंक्रीट वोकैबुलरी क्या होता है, मूर्त शब्दावली कंक्रीट वोकैबुलरी का क्या होता है मूर्त शब्दावली, मूर्त यानी आप अगर यदि क्या कर रहे हैं आपके विद्यार्थियों को इंग्लिश में कुछ शब्द सिखाना चाहते हैं तो कहेंगे आप क्या करेंगे कंक्रीट वोकैबुलरी का यूज करेंगे, और कंक्रीट वोकैबुलरी का मतलब होता है कि आप अपने विद्यार्थियों को पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स एंड या मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट्स का मतलब वस्तु, जैसे मान लो कि अब आपको क्या करना है आपके नए नए विद्यार्थी हैं छोटी क्लास के विद्यार्थी हैं आपको उनको बताना है कि पैरोट क्या करेंगे आपको आपके विद्यार्थी को सिखाना है कि क्या है पैरोट है पैरेट्स है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि एक तो आपके पास तरीका क्या था कि आप पैरेट्स लिखते और कह देते क्या तोता, तो ये तो क्या हुआ एक तरह से आपकी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो बात होती, पर एक्चुअल में यहां पर क्या कहा गया
कि आपको अगर डायरेक्ट मेथड प्रयोग करते हुए यानी तुरंत प्रभाव से अपने विद्यार्थी को सिखाना है तो आप क्या करो कि अपने विद्यार्थी के लिए उसको सिखाने के लिए कोई तस्वीर का प्रयोग करो, ठीक है, या तो आप तस्वीर ले आओ। आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल्स में आप तस्वीर लगी मिली होती है तो वहां दीवारों पर जो तस्वीर लगी होती है उन तस्वीरों को देख करके सबसे पहले टीचर क्या करता है उस तस्वीर को दिखाता है, तस्वीर दिखा करके उसके नीचे लिखे शब्दों को दोहराता है और फिर कहता है कि बेटे ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, पैरोड कहते हैं। तो यानी अब वो जो टीचर है वो उसको ये बताना उसको नहीं समझता है कि पैरोड मींस क्या होता है, तोता होता है, नहीं, उसका मकसद था कि उस विद्यार्थी को ये समझाना कि ये पैरेट जो शब्द है ये किसके लिए किया गया, यूज किया गया है इस प्रकार के दिखने वाले एक पक्षी के लिए प्रयोग किया गया है। अब बच्चे को क्या करना पड़ेगा कि बच्चा जब नेक्स्ट टाइम उस प्रकार की दृश्य को देखेगा, उस प्रकार के पक्षी को देखेगा तो बोलो क्या सोचता है, वो कह देगा कि पैरेट है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो डायरेक्ट मेथड है उसकी विशेषताओं में विशेषता क्या है कि यहाँ कंक्रीट यानी मूर्त मूर्त शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। मूर्त शब्दावली का मतलब है कि विद्यार्थियों को कोई नया शब्द सिखाना है तो नए शब्द सिखाने के लिए आपको कोई तस्वीर या कोई वस्तु, अभी हम वस्तु से मतलब क्या है, मान लो कि आपने क्या किया तोते की तस्वीर नहीं मिली आपको पर तोते का कोई खिलौना था तो तोते का वो खिलौना था ना, खिलौना आप स्कूल लेके आ गए। अब मान लो कि उस तोते का आप बच्चों दिखाओगे, बेटे देखो ये दिख रहा है आप सबको, तो बच्चे कहेंगे हाँ मैम दिख रहा है या सर दिख रहा है, और आप कहेंगे बेटे ये जो आपको आकृति दिख रही है मेरे हाथ में ये क्या होता है, पैरेट होता है, इसको क्या कहते हैं हम, पैरेट कहते हैं। तो फिर वो मैडम क्या करेगी 10 मिनट बाद में पुनः उस आकृति को दिखाएगी और कहेगी बेटे इसको क्या कहते हैं, तो तुरंत बच्चे क्या कहेंगे, मैम पैरेट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उस बात को ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी। तो कहेगी एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी क्या होती है, तो कहे देखो हाँ एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी को सिखाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट यानी मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त। अमूर्त का मतलब अब आपके पास ना तो कोई तस्वीर है और ना ही क्या है कोई पदार्थ है कोई वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में आप शब्द कैसे सिखाओगे, तो कह रहे कि बाई कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इसे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि अब आप क्या करेंगे कि आपके विद्यार्थी को एनालिसिस करेंगे, उसको प्रसंग पर समझाने का प्रयास करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो कि मुझे समझाना है किसके बारे में, गाय के बारे में, मुझे और किसी बात समझाना है तो मैं कहूंगा कि स्टूडेंट लिसन मी, ए काउ इज ए एनिमल, इज ए एनिमल, पेट एनिमल जिसे हम कहते हैं, तो पेट एनिमल यानी घरेलू जानवर, घरेलू क्या है, मवेशी है और इसके चार पैर होते हैं, ये दूध देती है, ये अक्सर मोस्ट ऑफ टाइम सफेद कलर की पाई जाती है, ये भिन्न भिन्न कलर की भी होती है। तो इस प्रकार से टीचर करते क्या करेगा, उस काउ शब्द को बच्चों के सामने रखेगा, यानी बच्चों को क्या कर देगा वो विचारों के साथ में, मैं यहां अगर इसी पर्टिकुलर का उपयोग करूं तो कह रहे हैं कि बाई एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जोड़ना, बाई आइडिया यानी वो विचारों को यानी शब्दों के रूप में और अधिक शब्दों का प्रयोग करते हुए इस बात को समझाना चाहेगा कि ये जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो काउ के बारे में बात है तो कहेगा वो उसको एक्सप्लेन करेगा और बच्चे समझ जाएंगे हाँ कि सर ये जो काउ है वो एक ऐसा जानवर है जो चार पैर है, सफेद रंग का होता है, घर में पाली जाती है, दूध देती है, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो वो बच्चा अपने आप समझ आएगा और दूसरे दिन जब उसको देखेगा तो कहेगा हाँ मॉम इट इज काउ, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या, डायरेक्ट मेथड। दूसरी बात, डायरेक्ट मेथड में एवरी डे वोकैबुलरी पर फोकस किया जाता है, एवरी डे वोकैबुलरी यानी प्रत्येक प्रतिदिन यानी हमारी दैनिक दिनचर्या में जो काम आने वाले शब्द हैं उन पर यहां विशेष जोर दिया जाता है। यानी एक टीचर क्या करेगा, उसका मकसद रहेगा ये पता लगाना कि हम इस बालक के दैनिक जीवन में किन शब्दों का अधिकांश प्रयोग किया जाता है, तो वह उन शब्दों को याद कराने का क्या करेगा, विशेष जोर देगा। तो यहां हमने दो मेथड पढ़ लिए, एक तो था हमारे पास ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या कर लिया कि वहां तो हमने देखा कि जो भाषा को पढ़ाने का जो प्राचीन तरीका था, पहले
नियम फिर एग्जाम्पल, तो वो बिल्कुल क्या था, उसमें किसी प्रकार का ओरल इंटरेक्शन नहीं होता था। ओरल इंटरेक्शन का मतलब है कि मौखिक प्रतिक्रिया नहीं होती थी, वहां पूरी तरह से कौन सक्रिय रहता था, टीचर ही सक्रिय रहता था। पर यहां पर क्या होता है, बोथ यानी स्टूडेंट व टीचर, यानी स्टूडेंट और क्या टीचर, स्टूडेंट और टीचर दोनों क्या रहते हैं यहां पर, एक्टिव रहते हैं। क्योंकि टीचर जो है भाषा में बोल रहा है उसी भाषा में, जिस भाषा में उसी कह रहा है, और बिल्कुल वो यहां जैसे मान लो कि मैं ये कह सकता हूं ग्रामर का ट्रांसलेशन में तो क्या कर रहा था, वो भाषा को बार बार ट्रांसलेशन कर रहा था। पर यहां पर हमारे पास क्या नहीं है, कोई नो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो शब्द लिखे हुए, मैं इन शब्द क्या करूं आपको हिंदी करके बता दूं और आप कहेंगे सर समझ गए, तो इस डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता, यानी डायरेक्ट मेथड क्या नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। हाँ कभी कभार अगर आवश्यकता पड़ी तो लिटिल का मतलब आप समझ गए होंगे, ना के बराबर, यानी एक टीचर जो है मुश्किल से किसी एक पूरे क्लास में पूरे दिन में एक या दो शब्दों का किसी बात को समझाने के लिए आपकी मदर टंग के किसी पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग वो कर सकता है। तो आपकी क्या हुई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि डायरेक्ट मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आप लिखना प्रारंभ करेंगे शुरू से कि डायरेक्ट मेथड कब आया, किसने दिया, इसका मूल उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब ये उद्देश्य पूरे हो गए तो इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड होता है। तो एक मेथड था प्राचीन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा मेथड पढ़ा क्या, डायरेक्ट मेथड।